एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइज, आई होप तुम सभी लोग बहुत हेल्दी होगे, फिट होगे और जो भी प्रिकॉशंस वगैरह लेने हैं वो ले रहे होगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी कोविड की वजह से कंडीशन ख़राब हो चुका है। पर ठीक है, आई होप तुम लोग बहुत सही होगे यार। और चलो फिर अब डिस्कस करते हैं आज के बारे में। तो उससे पहले मैं एक चीज़ तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने क्या IBM वाला वीडियो देखा? अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन साथ साथ डिस्क्रिप्शन दोनों जगह ही उसका लिंक डाल दूंगी, प्लीज़ देख लेना। एंड आई होप जिन लोगों ने देखा होगा और जो लोग एलिजिबल होंगे उन्होंने अप्लाई कर दिया होगा, बिकॉज IBM जो है वो छोड़ने लायक कंपनी तो है नहीं। अब क्यों नहीं है ये सब बातें बाद में बातें करते रहेंगे आराम आराम से। अभी क्या है ना कि तुम्हें भी पता है कि क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तुमने अप्लाई अगर करा होगा, उसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, कुछ राउंड्स होंगे एंड उसके बाद आने वाला है इंटरव्यू। तो जब हम TCS डिस्कस कर रहे थे उस वक्त मैंने तुम्हें बताया हुआ था कि जब तुम किसी भी कंपनी में, इट्स नॉट अबाउट TCS, IBM या किसी और कंपनी, तुम किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने जाते हो जब, तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना चाहिए, ऑफकोर्स जो तुम्हारे सब्जेक्ट वगैरह है, प्रोजेक्ट वगैरह, वो सब तो हमें भी पता है, सबको ही पता है कि वो हमें पढ़ के जाना होता है, राइट। लेकिन उसके अलावा तुम जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के बारे में तुम्हें मतलब मोटा मोटी आइडिया ले लेना चाहिए। अगर तुम्हें वो आइडिया होता है ना तो उससे समझ में आता है इंटरव्यूअर को कि ये बंदा कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब कितना इंटरेस्टेड है मेरी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, और ये चीज़ एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है, राइट। तो वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कंपनी से रिलेटेड, ये देखने के लिए कि इस बंदे ने कितनी रिसर्च करी है, ये बंदा कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर इंटरेस्टेड होगा तो ऑब्वियसली रिसर्च करेगा, राइट, उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेगा। तो अभी इस वीडियो में हम IBM के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, ये सारे पॉइंट्स नहीं है, पर एकदम जो इंपॉर्टेंट वाले कुछ पॉइंट्स थे, few of the important ones, right? तो वो जो important questions थे वो हम इसमें discuss करने वाले हैं, जो शायद तुम्हें काम आने वाला है और बाकी तुम आराम से देख सकते हो, right? तो चलो कुछ आराम से छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं और फिर आराम से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर हाँ, लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, बेल आइकन हिट कर देना और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अभी बहुत कम हो रहा है, पता नहीं क्यों। वीडियोस तो लगातार अच्छे अच्छे आ रहे, व्यूज़ भी ठीक ठाक आ ही रहे, पर सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं पता क्यों कम हो रहा है। आई गेस इसका जो रीज़न बोल सकते हैं वो तुम लोग शेयर नहीं करो, तो शेयर करो और जो जिससे भी होता है ना सब्सक्राइब करवाओ, खुद से ही 4-5 अकाउंट बनाओ और करो यार सब्सक्राइब। एनीवे मजाक कर रही थी, कर दियो शेयर। तो चलो फिर वीडियो में आगे बढ़ते और देखते क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था और अभी भी, तुम्हें पता ना IBM का फुल फॉर्म क्या है? अभी तो पता होना चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। ओके, तो कॉरपोरेशन हटा देते हैं क्योंकि हमने IBM का मतलब जाना है, राइट। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो ये चीज़ एकदम याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये उन लोग पूछेंगे ही पूछेंगे फर्स्ट थिंग, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, लाइक बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होता है, क्योंकि मतलब हम ऐसे ही सुन सुन के बड़े हुए यार, IBM, राइट। IBM के फुल फॉर्म में हम उतना ज़्यादा घुसने ही नहीं जाते हैं। जब मुझे जैसे वीडियो बनाना था तो मैंने देखा है, किसी को अभी इंटरव्यू में जाना होगा तो वो देखेंगे, नहीं तो जनरली लोग नहीं देखते हैं। तो इसीलिए अगर तुम ये करके जाते हो, अगर मतलब तुम्हें पता होता है तो वहाँ पे आंसर देते हो ना, तो एक थोड़ा सा अच्छा वाला इम्पैक्ट पड़ेगा उन पर कि इस बच्चे ने अच्छे से मतलब रिसर्च करा है। तो फर्स्ट थिंग तुम्हें समझ आ गया। सेकंड थिंग कि कब ये फाउंड हुआ था, मतलब ये कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, तो इट वाज फाउंडेड इन 1911, सो 1911। ओके, उसके बाद किसने मतलब इसके फाउंडर कौन थे? तो पता है एक चीज़ मैं पहले बता दे रही हूँ कि जब तुम इसके फाउंडर CEO वगैरह के बारे में सुनोगे ना तो तुम्हें लगेगा मतलब IBM सच में अमेरिकन कंपनी है, यस इट इज़ एन अमेरिकन कंपनी, पर जब तुम सुनोगे ना तो तुम्हें सच में लगेगा सच्ची में, पता है क्यों बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम फाउंडर की बात करें तो फाउंडर के नाम से ऑल्दो नहीं लगने वाले, तो फाउंडर का नाम है चार्ल्स रेलेट फ्लिंट। ओके, तो सी आर फ्लिंट मुझे याद रहता है, एनीवे तुम कैसे भी याद रख सकते हो। तो ये हमारे फाउंडर थे, तो फाउंडर के नाम से तो लग रहा है कि विदेशी है, चलेगा मतलब सी आर फ्लिंट, तो फ्लिंट से समझ आ रहा है, राइट। एनीवे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अगर ये कोई पूछे तो तुम आराम से बता सकते हो, न्यूयॉर्क में है, USA। ओके, तो इससे समझ आ गया कि US बेस्ड कंपनी है, फाउंडर का नाम हो गया तुम्हारा सी आर फ्लिंट। कब इसका मतलब फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1911 में, फाइन। अब इसके CEO कौन है, मतलब करंट वाले CEO, तो मैं यहीं पे आ रही थी, करंट वाले जो CEO हैं उनका नाम है अरविंद कृष्ण, मतलब लग रहा है ना पूरा इंडियन टाइप। तो CEO जो हमारे हैं अभी IBM के, उनका नाम है अरविंद कृष्ण। ओके, एंड अब हम आ जा रहे हैं जनरल मैनेजर, तो जनरल मैनेजर का नाम है संदीप पटेल।
तो ये दोनों याद रखना कि CEO ऑफ IBM अगर तुमसे क्वेश्चन किया जाए तो अरविंद कृष्णा, एंड जनरल मैनेजर ऑफ IBM हो गए आपके संदीप पटेल। तो संदीप भैया याद रहेंगे, सबने एस्पिरेंट्स देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख लो यार। एनीवे मैं बेकार में प्रमोट कर रही हूँ। हाँ, तो अब सबसे पहले अब एक और क्वेश्चन आता है कि IBM में जो है वो क्या करती है, मतलब IBM में किस टाइप के मैन्युफैक्चर किए जाते हैं या फिर किस टाइप का काम होता है IBM में, राइट? तो देखो, उसमें मैन्युफैक्चर भी होता है, लाइक इन्वेंशंस वगैरह भी होते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है वो भी होता है, राइट? तो किस तरह के मैन्युफैक्चरर हैं IBM? तो सबसे पहली चीज़, वो हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करता है, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करता है, एज वेल एज मिडलवेयर मैन्युफैक्चर करता है। एक तरह से सोचो तो ये तो सब कुछ ही कर रहा है, राइट? यार IBM है सबसे पुरानी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है, तो कुछ तो अलग है इसमें, कुछ तो बात है, राइट? अब हम आ जा रहे हैं कि कितने कंट्रीज़ में IBM के मतलब सेंटर्स वगैरह हैं, कितने कंट्रीज़ में IBM है। तो 177, लिटरली 177 कंट्रीज़ में IBM है, तो इंक्लूडिंग इंडिया, हमारे इंडिया में भी है यार, तभी तो तुम लोग अप्लाई कर रहे हो। एनीवे ये तो समझ आ गया। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ एम्प्लॉई। एम्प्लॉई भी मतलब बहुत है, लाइक इट्स मोर देन 345,900। यस, मोर देन 345,900। सो 345,900 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अभी के डेट में हैं IBM में। तो ये कुछ ज़्यादा ही लोग हैं, पर ठीक है, उससे हमें क्या, हमें तो खुद से मतलब होना चाहिए। ये चीज़ हो गई। अब मैं आ जा रही हूँ तुम्हारे पास कि ये एक छोटा सा क्वेश्चन कि IBM ने ऐसा क्या रिवोल्यूशनरी काम किया था जिस वजह से IBM है, राइट? तो जो हमारे ग्लोबल लेवल पे जाते हैं, नॉट इन इंडिया, ओके? तो ग्लोबल लेवल पे जो पर्सनल कंप्यूटर्स का जो शुरुआत हुई थी वो IBM ने किया था, और उसका नाम था IBM 5051, ओके? और ये कब हुआ था, 1981 में, मतलब अभी जो हम PC बोलते हैं ना, तो 1981 से पहले कोई PC नहीं बोलता था, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ये कंसेप्ट जो है ये लाया है IBM ने, और सिर्फ इसी वजह से, मतलब नॉट सिर्फ इसी वजह से, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से बोलते हैं कि IBM ने एक रिवोल्यूशन सा ला दिया। मतलब पर्सनल कंप्यूटर कहीं था ही नहीं, पर्सनल कंप्यूटर जैसा कुछ टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता था, और इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है आज, राइट? तो इसलिए सबको समझ में आ रहा है, तो इसीलिए ये चीज़ है, ठीक है? और कब किया था, तो 1981 में। तो ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज था जो IBM लेके आई थी, मतलब वर्ल्ड के सामने। ओके, अब नेक्स्ट हम आ जा रहे हैं जो कि शायद हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि IBM ने अभी तक क्या क्या इन्वेंट किया है। मतलब लिटरली उसने बहुत कुछ इन्वेंट किया है, स्टिल क्या क्या इन्वेंट किया है अगर हमें ये जानना है तो। मतलब देखो, अगर मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, तुम में से बहुत सारे लोग मुझसे प्रोजेक्ट के लिए पूछते रहते हो ना, कि प्रोजेक्ट आइडियाज़ वगैरह, और तुमने सुना होगा कि मैं बहुत बारी, लाइक मैक्सिमम टाइम यही बोलती हूँ कि कुछ ऐसा बनाओ जिसका कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन हो। अब हम IBM के इन्वेंशंस पे देखते हैं कि इसने क्या क्या ऐसा बनाया है, राइट? उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि वाई IBM इज़ IBM, राइट? फर्स्ट थिंग, IBM ने बनाया हुआ है DRAM। सेकेंड, IBM ने बनाया हुआ है ATM। ATM कितना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में सभी को पता है, राइट? ओके, मतलब UPI वगैरह आ जाने के बाद कह सकते हो कि हम ज़्यादा UPI से काम करने लग गए हैं, पर UPI कब आया है, 2016 में, उससे पहले UPI का एग्जिस्टेंस ही नहीं था, तो समझ रहे हो ATM मतलब कुछ ज़्यादा ही सही चीज़ है, राइट? उसके बाद IBM ने बनाया है फ्लॉपी डिस्क। देखो, हर एक चीज़ का रियल लाइफ एप्लीकेशन तुम्हें दिख रहा है, राइट? उसके बाद बनाया है हार्ड डिस्क ड्राइव, अगेन मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, राइट? उसके बाद इसने बनाया है रिलेशनल डेटाबेस। एंड ट्रस्ट में, आज इंडस्ट्री में चाहे किसी भी कंपनी में जाओ तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो है रिलेशनल डेटाबेस। तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए RDBMS पढ़ते हैं हम लोग, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? तो ये किसी और की देन नहीं है, ये IBM की देन है। एंड द लास्ट वन, नॉट द लास्ट वन, मतलब जो मैंने अभी तक, मतलब जो मैं डिस्कस करना चाहती थी उसमें से मैं फ्यू इंपॉर्टेंट सी ओनली बोल रही हूँ, उसमें से एक है SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किसी और ने नहीं, हमारे IBM ने बनाया है। ओके, तो SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई होप तुम सबको आता होगा, और पता है यार क्वेरी लैंग्वेज है, कितना सिंपल है सीखना, और अगर नहीं आता तो हमारे पास मतलब बेस्ट प्लेलिस्ट है यार, उसके बाद भी नहीं आता जाके सीख लो। तो चलो फिर, आई होप तुम्हें काफ़ी कुछ पता चल गया IBM के बारे में, और इस तरह के से और भी किसी कंपनी के बारे में जानना है तो आराम से कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर मिलते हैं, जानेंगे बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में यार। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल, दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।